स्टाइल एज चॉइस एंड डिविएशन। पेज वन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से सुनिए। स्टाइल एज चॉइस एंड डिविएशन इज एन आर्टिकल बाय IA रोजनग्रेन। आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होता है, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। तो ये आर्टिकल जो है मैगजीन में पब्लिश हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके हम शब्द समझा रहे हैं। चॉइस मीन्स द स्टाइल एज सेलेक्टिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस। अब हमको दो शब्द है उसी में चुनना है, तो हो गया चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, राइटर हैज़ टू चूज बिटवीन द टू वर्ड्स डिफिकल्ट एंड हार्ड। अब डिफिकल्ट का इस्तेमाल करें या हार्ड इस्तेमाल करें, द राइटर सेलेक्ट्स द वर्ड डिफिकल्ट। ही राइट्स इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये हो गया चॉइस। व्हाइल राइटिंग वी हैव टू चूज, लिखने वक्त हमको चुनना पड़ता है। क्या चुनना पड़ता है? शुड आई गिव अ कॉमा, पलटो बेटा विकास, कॉमा दें या नहीं दें, शुड आई यूज अ लॉन्ग और अ शॉर्ट सेंटेंस, सेंटेंस को बड़ा करें या छोटा करें, शुड आई यूज अ सिंपल और अ डिफिकल्ट वर्ड, सरल शब्द का इस्तेमाल करें या कठिन शब्द का, शुड आई यूज अ शॉर्ट और अ लॉन्ग पैराग्राफ, पैराग्राफ को छोटा करें या लंबा करें। ऑल दिस इज स्टाइल एज चॉइस। ये सब क्या है? स्टाइल एज चॉइस, हमको पसंद करना है। ठीक है, अब देखिए, लर्नर शुड फॉलो द स्टाइल ऑफ गुड एंड ग्रेट राइटर्स। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जो ग्रेट राइटर है, अच्छे लेखक हैं, ग्रीमान लिखे हैं, उसके स्टाइल को अपनाना चाहिए। बी डॉबरी, राइटर ऑन स्टाइल उसको कहते हैं, राइटर ऑन स्टाइल कहते हैं, स्टाइलिस्ट है इसको कहते हैं। ये क्या है? स्टाइलिस्ट है। राइटर ऑन स्टाइल से वो क्या कहता है? वॉट इज स्टाइल? स्टाइल क्या है? फॉर अ ग्रेट मैनी पीपल इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग सिंपल थिंग्स। कुछ लोगों को यह मानना है कि सरल बात को जटिल कर दो वो स्टाइल है। फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टाइल इज अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो हम लोग का क्या मानना है? स्टाइल का अर्थ होता है कि जटिल बात को सिंपल बनाइए, वो स्टाइल। इन अदर वर्ड्स, वी आर एडवाइज टू यूज सिंपल स्टाइल दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रीडर्स। हम लोग को क्या सलाह दिया जाता है कि सरल स्टाइल अपनाइए जो समझ जाए पढ़ने पाठक। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट स्टाइल। इस स्टाइल को कहते हैं, सरल स्टाइल को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी स्टाइल। नाउ लेट अस कंसीडर स्टाइल एज डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म। अब देखिए, अब दूसरा जो है डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म, नॉर्म नॉर्मल जो है उससे हटके, डिविएशन मतलब हटके। नॉर्म मीन्स व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय ग्रामर। नॉर्म किसको कहते हैं? जो ग्रामर में स्वीकार किया जाता है। डिविएशन मीन्स ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। और डिविएशन का अर्थ हुआ ग्रामर के नियम को तोड़ना। व्हेन अ स्टूडेंट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ ग्रामर ही इज पनिश्ड बाय लो मार्क्स एक्सेट्रा। जब कोई विद्यार्थी ग्रामर के नियम को तोड़ता है, नॉर्म से हट जाता है, तो उसको सजा मिलती है। क्या? नंबर कम दिया जाता है और बहुत से मारपीट भी होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन सजा मिलती है ग्रामर को तोड़ने से। बट ग्रेट राइटर्स, ड्रामेटिस्ट एंड पोइट्स ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर पावर एंड इफेक्ट। लेकिन महान लेखक, नाटककार, कवि जो हैं, रूल को तोड़ते हैं, काहे? उस अपने राइटिंग में पावर, शक्ति देने के लिए, असर दिखाने के लिए। अब देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मार्क एंटोनी इन शेक्सपियर्स, थैंक यू विकास। मार्क एंटोनी क्या करता है शेक्सपियर के जूलियस सीजर में? से दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑन। अब देखिए, दो सुपरलेटिव, मोस्ट है सुपरलेटिव, अनकाइंडेस्ट ग्रामर में गलत है, लेकिन टू सुपरलेटिव आर नॉट अलाउड इन ग्रामर। वी कैन नॉट से ही इज द मोस्ट बेस्ट बॉय, नहीं कह सकते, समझे? एक ही सुपर इज द बेस्ट बॉय, खत्म। बट शेक्सपियर ब्रेक्स द रूल ऑफ ग्रामर टू शो दैट ब्रूटस हैज मेड अ ग्रेट मिस्टेक। तो द वर्ल्ड सुपरलेटिव इसलिए देता है, देखा, बहुत 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 कठोर काम, खराब काम था, मोस्ट अनकाइंडेस्ट, सुपरलेटिव दिखाने के लिए ये सब करता है, पावर दिखाने के लिए। सिमिलरली इन मैकबेथ वी हैव टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। रिपीटिंग अ वर्ड 3 times इज नॉट एडवाइज इन ग्रामर। ग्रामर में कहता है प्रोनाउन यूज करो, लेकिन क्या कहते हैं ये शेक्सपियर जान के करता है, कहे? बट शेक्सपियर डज दिस टू शो, शेक्सपियर कहे ऐसा रिपीट करता है, टू शो दैट मैकबेथ्स लाइफ हैज बिकम डल एंड मोनोटोनस। तो इसलिए टुमारो 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 का दिखाता है कि लाइफ नीरस हो गया, एक रस हो गया एकदम, टुमारो टुमारो टुमारो। ठीक है, इन एन एजुकेटेड सोसाइटी सेक्स इज साइलेंट इज अ साइलेंट मैटर। फिर नया पॉइंट दे रहे हैं, नया पैराफ, नया पॉइंट। तो पढ़े लिखे समाज में सेक्स जो है साइलेंट है, उसको छुपी रखना पड़ता है। बट डी एच लॉरेंस इन हिज नॉवल लेडी चैटरलीज लवर गिव्स नेकेड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स। लेकिन इस उपन्यास में डी एच लॉरेंस कहते हैं सेक्स को खुल के डिस्क्राइब करता है। बुक वॉज पुट ऑन ट्रायल, मुकदमा भी चला उस पर ब्रेकिंग द नॉर्म।
साधारण नॉर को तोड़ने के मुकदमा चला, पर द जजेज डिसाइडेड दैट द नॉवल वॉज नॉट डर्टी। तो जजेज ने क्या निर्णय लिया कि उपन्यास जो गंदा नहीं है, द नॉवल प्रेजेंट्स रियल लाइफ, नॉवल में वही दिखाया जाता है जो जिंदगी में है। ठीक है, इन इंग्लैंड अमेरिका एंड एडवांस कंट्रीज द राइटर्स हैव फ्रीडम, ये सब बड़े बड़े देशों में छूट रहता है। सेक्स कैन बी डिस्कस्ड फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी, सेक्स को हम लोग खुल के डिस्कस कर, समाज की भलाई के लिए इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ना उनका भी अधिकार। द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, लेकिन विद्यार्थियों को और जो जो हम लोग सीखते हैं उसको ग्रामर का रूल को नियम पालन करना पड़ता है। अब स्टाइल कैन भी हम लोग को स्टाइल में ये सबसे चूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बनाइए, नैरेटिव बनाइए, एक्सपोजिटरी बनाइए, आर्गुमेंटेटिव बनाइए या परसुएटिव बनाइए, ये सबको तो समझाने बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सब आप हम लोग को चुन सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट, इस समय से वही सेलेक्ट कर सकते, दिस इज कॉल्ड स्टाइलेस चॉइस। द स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट द बेटर वर्ड और एक्सप्रेशन, जो ज़्यादा अच्छा है उसको हम लोग चुन सकते हैं, बट द स्टूडेंट्स शुड अवॉइड डिविएशन, लेकिन विद्यार्थियों को डिविएशन से, गलत ग्रामर से बचना चाहिए। डिविएशन क्या, ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर से विद्यार्थियों को बचना है। ठीक है, अब देखिए टी एस एलियट अ नोबेल प्राइज विनर ब्रेक्स द नॉर्म्स, ये जो है नॉर्म को तोड़ देता है, नियम को तोड़ता है। व्हाइल राइटिंग इंग्लिश अ स्टूडेंट हैज टू राइट ओनली इन इंग्लिश, हम लोग जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। इन द वेस्ट लैंड इलियट यूजेस 5 लैंग्वेजेस, इस कविता में छोटी सी कविता में 5 भाषाओं का प्रयोग करता है। द लास्ट लाइन ऑफ द वेस्ट लैंड यहाँ हो जाएगा इज दे, तो विकास को कर दो ग्रामर से, तो सो सॉरी, द लास्ट लाइन ऑफ द वेस्ट लैंड इज, देखिए ना ये संस्कृत है तो हमको ग्रामर का रूल नहीं तोड़ना है, हम ठीक से लेट नहीं है। द लास्ट लाइन ऑफ द वेस्ट लैंड इज इन संस्कृत शांति शांति शांति, देख रहे हैं। कंक्लूजन दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स शुड नॉट फॉलो टी एस एलियट, तो हम लोग को टी एस एलियट नहीं अपनाना, हम लोग संस्कृत हिंदी बंगला अपने आंसर में नहीं लिखना है। द स्टूडेंट शुड फॉलो द स्टाइल ऑफ चॉइस, उसको चॉइस करना है, दिस मीन्स दैट दे शुड सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द डिफरेंट एक्सप्रेशन, बहुत सारा एक्सप्रेशन उसमें सबसे अच्छा है वो सबसे सही है उसको देना है। डिविएशन किसके लिए, मास्टर्स के लिए, लाइक शेक्सपियर, बीएस लॉरेंस एंड टी एस एलियट, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब विकास हमको ये देना है, क्या देना है, यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सएप नंबर 8210297332, ये मेरा रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा का है, और 8434291664 ये विकास का है, कुछ दिन के लिए उसको रेलवे में नौकरी लग गई है, सब उसको बधाई दीजिए। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, आर्थिक मदद इस नंबर पर कीजिए, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम 8434291664, वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आवर टीबी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर गिवन अबव, दैट्स ऑल, थैंक यू।